धौलपुर में आपसी विवाद के चलते एक युवक ने सरकारी स्कूल में घुसकर देसी कट्टे से सातवीं क्लास के स्टूडेंट को गोली मार दी। युवक के चेहरे और गर्दन पर छर्रे लगने से वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। स्टाफ की सूचना पर पहुंचे परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। स्टूडेंट की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। मामला धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोरोली गाँव का है। सीओ सिटी सुरेश सांखला ने बताया कि मोरोली गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सातवीं क्लास के पीड़ित स्टूडेंट रामहरि 16 वर्ष पुत्र ज्ञान सिंह के पर्चा बयान के मुताबिक वह क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान गांव का युवक सचिन पुत्र रामबरन अवैध देसी कट्टा लेकर स्कूल में पहुंच गया, जहां आरोपी सचिन ने कट्टे से फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद गोली के छर्रे उसके चेहरे और गर्दन पर लगे। हादसे के बाद स्कूल टीचर ने परिजनों को सूचना दी, जिस सूचना पर घायल छात्र के परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। अभिभाषक संघ ने किया राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को लेकर चल रही हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। अभिभाषक संघ ने बैठक अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सर्व समिति से डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति का बहिष्कार करते हुए डिफेंस काउंसिल के साक्षात्कार का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत का धौलपुर अभिभाषक बहिष्कार करेगी। धौलपुर अभिभाषक संघ के महासचिव सुबोध शर्मा ने बताया कि धौलपुर अभिभाषक संघ की उसकी बैठक में सर्व समिति से राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार का निर्णय पारित किया गया, जिसके अनुसार धौलपुर अभिभाषक संघ 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपनी भागीदारी नहीं निभाएगा और लोक अदालत का बहिष्कार करेगा तथा डिफेंस काउंसिल के साक्षात्कार में धौलपुर अभिभाषक संघ का कोई भी सदस्य भागीदारी नहीं निभाएगा और जो भी सदस्य साक्षात्कार में भाग लेगा उसकी अभिभाषक संघ की सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। बैठक में मदन मोहन शर्मा, महेंद्र गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर, नरेश शर्मा व उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, पुस्तकालय अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी, सह सचिव अरविंद गुर्जर, प्रशांत हुंडावाल, पप्पू गुर्जर, लाखन सिंह गुर्जर, आरिफ हमीद खान, रंजीत दिवाकर, अमित कमठान, विश्वनाथ बुद्धराजा, रविन्द्र मोदी, ओमवीर गुर्जर, विधाराम विधुड़ी, इरशाद अहमद मुख्य रूप से उपस्थित थे। डिफेंस काउंसलिंग के विरोध में धौलपुर अभिभाषक संघ द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें धौलपुर एडीआर द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए धौलपुर अभिभाषक संघ ने सभी हाउस ने यह तय किया है कि जो राष्ट्रीय लोक अदालत भारत 11/2022 को लगेगी उसमें धौलपुर अभिभाषक संघ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस महकमे में फेरबदल किया है। जिले में कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए एसपी ने 7 एएसआई, 16 हेड कांस्टेबल और 19 कांस्टेबल के तबादले किए हैं। एसपी द्वारा निकाली गई तबादला सूची में पूर्व में निकाली तबादला सूची के 3 एएसआई, 1 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल के तबादले निरस्त किए गए हैं। तबादला सूची में एएसआई मुकेश को टाउन चौकी बाड़ी से पुलिस लाइन, विष्णु दत्त को पुलिस लाइन से टाउन चौकी बाड़ी, दिलीप सिंह को रेल चौकी से महिला थाना, राजेश सिंह को पुलिस लाइन से रेल चौकी, जलवीर को जपावली से चौकी अंडवा पुरेनी, लालमन को सदर थाने से कंचनपुर और गजन सिंह को कंचनपुर से सदर थाने पर लगाया गया है। तबादला सूची में हेड कांस्टेबल नरेश को थाना सदर, हुकुम सिंह को गढ़ी जाफर, अशोक कुमार को महिला थाना, मुकेश कुमार को निहालगंज, मनोज कुमार को निहालगंज, बाबूलाल को कोलारी, राकेश यादव को राजाखेड़ा, कृष्ण मुरारी को बसई डांग और रमेश चंद्र को बाड़ी लगाया गया है। वहीं ट्रैफिक में तैनात हेड कांस्टेबल प्रदीप, प्रद्युमन सिंह और उदय सिंह को लाइन भेजा गया है, जबकि लाइन से हेड कांस्टेबल रूप सिंह को ट्रैफिक में लगाया गया है। इनके अलावा 19 कांस्टेबलों को भी एसपी की तबादला सूची में इधर से उधर किया गया है। सफाई कर्मियों को नहीं मिला वेतन, करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना, जिम्मेदार मौन। सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र में 26 माह से पुराने सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे सफाई कर्मियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी संदर्भ में सफाई कर्मचारी जगदीश वाल्मीकि ने बताया कि हम सरमथुरा ग्राम पंचायत के पुराने सफाई कर्मचारी हैं। हमारे साथ के चुंगी कर्मचारियों को तो राज्य सरकार के द्वारा परमानेंट कर दिया गया, लेकिन हमको परमानेंट नहीं किया गया। कुल मिलाकर हम 20 कर्मचारी हैं। हमने 1998 में न्यायालय के
समक्ष केस किया था। हमको पंचायत के द्वारा 600 रुपए का वेतन दिया जाता था, लेकिन 26 माह से नगर पालिका के द्वारा वेतन भी नहीं दिया गया है। साथ ही हम 20 कर्मचारियों के द्वारा लगातार सफाई की जा रही है। शुक्रवार को हमने गोविंद जी के सामने और उसके आसपास की गली में झाड़ू लगाया। साथ ही सुबह रोज हम अपने हल्का में झाड़ू लगाते हैं, लेकिन नगर पालिका के द्वारा हमारे लिए ना तो कोई झाड़ू दी जाती है, ना ही तसले फावड़े दिए जाते हैं। हम अपने खुद खरीद कर लाते हैं, उससे सफाई कर रहे हैं। सरकार की हट धर्मता के कारण हमारे साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है और हम खाने के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। हमने कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन ना तो हमारे लिए आज तक कोई वेतन दिया गया है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। इस मौके पर जगदीश वाल्मीकि, लाल सिंह वीदिया, जमादार हरिमोहन, राकेश होरीलाल, रामफूली मीरा, जयश्री, विमला संतरा, बादामी, सफेदी बर्फी, पुष्पा उर्मिला, गुड्डी ओमवती, मुन्नी देवी सहित अन्य सफाईकर्मी मौजूद रहे। सर मथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हमें 20 कर्मचारी पहले ग्राम पंचायती, जब तो हमें कुछ तनख्वाह मिली, जब से नगर पालिका ही, जब से आज तक हमें 1 रुपया मिला, मतलब कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। और हमारी 19 हलके हैं, गाड़ी देना रहे, झाड़ू देना रहे, मतलब कोई भी लाभ, गाड़ी तसला झाड़ू कुछ नहीं, ठीक है। हमारे हलका है 19, 20 हम मैं जमादार हूँ, ठीक है। हमारे 19 हलका में हम जो ठेके वाले को हम काम ना करने देंगे, हमारी ये समस्या हम अपने हम खुद करेंगे स्वयं। हमारे ना तो कोई ईओ ने सुनी हमारी आज तक, ना कोई चेयरमैन ने सुनी आज तक, और हमारे चलो हम ठेका में काम करेंगे नहीं। हमने पहले भी मना किया, आज भी हमारी मना है कि हम ठेके में काम नहीं करेंगे। समस्या है भाई साहब, एक समस्या है, जब से नगर पालिका हुई है, जब से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है, हम इतने परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपने बच्चों को क्या खिलाएं बताओ, और खाने के लिए कुछ है नहीं। अगर किसी काम को और को करते हैं तो उस काम को भी नहीं करने देते, जमादार आके कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। आपके द्वारा कस्बे की नियमित सफाई की जाती है? बिल्कुल की जाती है, सब रोज डेली कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? हमारे मतलब पेमेंट नहीं मिल रहा है, हमारा कितने दिन से पेमेंट नहीं मिला है, लगभग जब से नगर पालिका हुई है, जब से 3 साल हो गई रकम, ये समझ लो आप, 3 साल से पेमेंट नहीं हुआ है हमारा। जैसे कि नगर पालिका के द्वारा आपके लिए कितने रुपए महीने प्रति दिए है? ये मतलब नगर पालिका में 7,000 दे रहे हैं, दिए नहीं हमें, तो दिए नहीं तो हमें क्या पता कितने, समझ गए आप ये बात। हाँ क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, हम लोग काम नियमित कर रहे हैं, लेकिन हमें तनख्वाह कोई भी नहीं दे रहा है, और जना जना अधिकारी हम पे अधिकार जमा रहा है कि काम तो करो इसको, पर हमें हम नहीं दे रहे तुमको कुछ भी, और हम तो काम लेंगे और नहीं करेंगे तो नए नौकरन ने भेजेंगे भी नहीं तुम्हारे सरकार। कितने दिनों से आपकी तनख्वाह नहीं मिली है? 3 साल हो गई हमारी तनख्वाह नगर पालिका हुई, जब तक तो हमने एक चुन्नी भी नहीं मिली है। पहले ग्राम पंचायत थी सरमतरा, जब थोड़े बहुत मिलते जब मिलते थे हमारे लिए तनख्वाह मिलती, हमारी समस्या ये साहब, 3 सालों से तनख्वाह नहीं मिली है मालिक साहब, और बहुत परेशान हो रहे हैं साहब, अब कैसे धंधा करें अपना, पैसे क्या करें, कुछ नहीं है, और गरीब आदमी है साहब, और सब दोनों टाइम काम करते हैं, सुबह संध्या काम करते हैं, साहब क्या करें, गरीबी का सामना कर रहे हैं। कह देते हैं आवाज़ आएगी आवाज़ आएगी, बोल देते हैं कि आवाज़ आएगी आवाज़ आएगी आवाज़ आएगी, बात ही नहीं, 3 साल हो चुके हैं, अब तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है साहब, अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें भाव जी, सुबह संध्या झाड़ू लगता है, सुबह संध्या झाड़ू लगता है, क्या करें साहब, डेली साहब। राम राम किशन भैया। राम 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 भैया, आओ यो बताओ कब की खाद बीज कहाँ ते लें यार? अरे यार, जब अपनो दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुए तो कि तुम अंत ते क्यों लेंगे, वहाँ बढ़िया तो रेट मिल रही है, और सब कंपनी की वैरायटी मिल रही है, और भरोसेमंद आदमी है। राजा खेड़ा रोड पे थे जो तगावली मोड़ होते हुए नहीं, वहीं दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुआ है, तो अब की भैया हम तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही ले रहे हैं, तू बता। पर वो तो सब ठीक है यार, पर दुकान तो नहीं है यार भैया। जी बात तो बिल्कुल तेई सही है कि दुकान तो नहीं है, पर तो यूँ पता होनी चाहिए कि बिनके मोड़े ने कृषि विषय में ही तो पढ़ाई लिखाई करी है, और बनवारी बोरे मनीराम के पुरावाई ने कोई एक मोड़ा कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर होएगा हुआ है, और बिनको मोड़ा एक खाद बीज की कंपनी में बड़ी पोस्ट पर लगा हुआ है, तो यो कहो तो जी है कि बिने दूसरे ते ज़्यादा
खेतीबाड़ी के बारे में, आधुनिक खेती के बारे में ज्यादा जानकारी है। ठीक है भैया, तो अब हम वहीं से लेंगे और अब की तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही चलेंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल संग ही चलेंगे। दुबे खाद बीज भंडार, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर, सतीश दुबे, मनीराम का पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9610079879 पे। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव 6 नवंबर को आएंगे धौलपुर। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव 2 दिवसीय धौलपुर दौरे पर रहेंगे। अखिलेश यादव 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे सड़क मार्ग से सेफई जिला इटावा उत्तर प्रदेश से रवाना होकर दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर पहुंचेंगे। 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर दोपहर 2 बजे सेफई जिला इटावा के लिए रवाना होंगे। यादव के भ्रमण के दौरान प्रोटोकॉल व्यवस्था हेतु सहायक कलेक्टर मुख्यालय धौलपुर कुणाल राहड़ को प्रोटोकॉल अधिकारी नियुक्त किया गया है। गुजरात चुनाव को लेकर AICC द्वारा वडोदरा लोकसभा पर्यवेक्षक बने पंकज तिवारी। गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर धौलपुर जिले में NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी को AICC द्वारा वडोदरा लोकसभा में बूथ मैनेजमेंट हेतु पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात प्रभारी पूर्व चिकित्सा मंत्री केकड़ी विधायक रघु शर्मा ने बूथ स्तरीय मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने के लिए तिवारी की नियुक्ति की गई है। NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि विगत 27 साल से गुजरात प्रदेश भाजपा के कुशासन को झेल रहा है और वहां की जनता इस बार गुजरात से BJP को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। जिला अध्यक्ष तिवारी ने कहा है कि AICC द्वारा वडोदरा लोकसभा की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए मैं हमारे नेता राहुल गांधी, प्रभारी रघु शर्मा, AICC कोऑर्डिनेटर आभास भटनागर एवं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं और यह भरोसा दिलाता हूं कि संगठन ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालना करते हुए इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और BJP के कुशासन से जनता को राहत दिलाने का कार्य करेंगे। तिवारी की नियुक्ति पर जिला कांग्रेस कमेटी एवं NSUI के पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया एवं इसे जिले के लिए गौरव का पल बताया। स्वादिष्ट भोजन देना हमारी पहली प्राथमिकता, इंदिरा रसोई संचालक। सरमथुरा कस्बे में राज्य सरकार के द्वारा गरीब एवं मजदूर वर्ग के लिए दोनों टाइम भरपेट भोजन हेतु संचालित इंदिरा रसोई के माध्यम से 8 रुपए में भरपेट खाना दिया जा रहा है और खाने में दोनों टाइम का अलग अलग स्वादिष्ट एवं गर्म भोजन मिल रहा है। इसी को लेकर आज हमारी टीम सरमथुरा स्थित इंदिरा रसोई पर पहुंची, जहां भोजन कर रहे कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की तो लोगों ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि संचालक के द्वारा दोनों टाइम गर्म एवं स्वादिष्ट खाना मात्र 8 रुपए में दिया जाता है। वहीं साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हुए मेज एवं कुर्सियों पर सम्मानपूर्वक खाना खिलाया जाता है। वहीं लाभार्थियों की संख्या को लेकर जब हमने संचालक से पूछा तो संचालक ने हमें बताया कि रोजाना दोनों शिफ्ट में करीब 250 लोग रसोई पर आकर भोजन करते हैं। वहीं विशेष अवसरों पर जैसे जन्मदिन आदि पर भामाशाहों की ओर से लोगों को खाना खिलाया जाता है और खाने के साथ साथ पीने के लिए शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। भैया कैसा खाना है? खाना बढ़िया था। कितने रुपए का टोकन कटा है? 8 रुपए। आप खाने की क्वालिटी से संतुष्ट हो? कितने दिनों से खाना खा रहे हो? 1 महीने से। दोनों टाइम बढ़िया भोजन मिलता है? भैया कैसा खाना है? अच्छा। कितने दिनों से आप खाना खा रहे हो? 10-15 दिन। कितने रुपए का टोकन कटा? 8 रुपए। खाने की क्वालिटी से आप संतुष्ट हो? आपका क्या नाम है? सभीनुद्दीन। कहाँ से आए हो? कितने दिनों से खाना खा रहे हो आप? इंदौर खाने की क्वालिटी कैसी है? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है? कितने रुपए का टोकन कटा था? 8 रुपए। इंदिरा रसोई में लगभग कुल रोजाना कितने आदमी खाना खा जाते हैं? लंच और डिनर मिला के कभी 260-270 और लंच में सुबह कभी 130 कभी 40 इस तरह से। अपनी एजेंसी यूनिट है बगल में, चाहे के हीरो होंडा एजेंसी के कर्मचारी हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं। दिहाड़ी मजदूरों को ये लंच यहीं करते हैं। मीनू में क्या क्या रहता है? मीनू में सर एक हरी सब्जी है, दाल है, अचार है,
दोनों टाइम मेनू चेंज होता है या एक ही मेनू मिलता है? दोनों टाइम अलग अलग मेनू चेंज होता है, मेनू चार्ट लगी हुई है, मेनू चार्ट के हिसाब से मेनू दिया जाता है। धौलपुर शहर में नगर परिषद द्वारा शरद महोत्सव का आयोजन किया गया। शरद महोत्सव में गुरुवार रात को मेले में एक झूले की कुर्सी चलते चलते अचानक टूट गई। हादसे में झूले की स्पीड कम होने की वजह से दो युवक बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल जसूरिया के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और मेले में चल रहे झूलों को बंद कराया। थाना प्रभारी अनिल जसूरिया ने बताया कि देर रात को अचानक झूले के टूटने की सूचना मिली थी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक झूले की कुर्सी पर बैठे दोनों युवक जा चुके थे। उन्होंने बताया कि खराब मेंटेनेंस की वजह से हुए हादसे के बाद सभी झूलों के संचालकों को मेंटेनेंस पूरा करने के बाद झूला शुरू करने के निर्देश दिए गए। वहीं घटना को लेकर झूला लेकर धौलपुर आए इटावा के कारोबारी साबर ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ उस समय झूले की स्पीड कम थी, जिस वजह से हादसा होने से टल गया। उन्होंने बताया कि अब झूलों को मेंटेनेंस दुरुस्त करने के बाद ही शुरू किया जाएगा। विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। धौलपुर सहायक अभियंता विजेंद्र सिंह ने बताया कि 33 केवी फीजर धौलपुर से 33/11 केवी सब स्टेशन जीटीआर एवं भामतीपुरा का मरम्मत कार्य 6 नवंबर सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक होने के कारण संबंधित सब स्टेशन से निकले 11 केवी शहर सागरपाड़ा गंज वाटरवर्क्स ITI पुरानी सराय राधा बिहारी वाटरवर्क्स चंबल गडरपुरा बजरिया जेल व जगन फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 33 केवी लाइन DCC PP पर मरम्मत कार्य 5 नवंबर को सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक होने के कारण संबंधित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। तारबंदी योजना में प्रति कृषक मिलेगा 48,000 तक अनुदान, अधिक से अधिक कृषक करवाएं ऑनलाइन आवेदन। नीलगाय आवारा पशुओं द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों के खेतों पर तारबंदी का कार्य करवाया जाना है। व्यक्तिगत या दो से अधिक कृषक के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा। प्रति कृषक को सामान्य श्रेणी में अधिकतम 40,000 या लागत का 50% व लघु सीमांत श्रेणी कृषकों को अधिकतम 48,000 या लागत का 60% अनुदान देय होगा। 400 रनिंग मीटर से कम तारबंदी होने पर प्रति कृषक को प्रोराटा बेसिस पर अनुदान देय है। कृषकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए जन आधार कार्ड, जमाबंदी, नक्शा ट्रेस को लेकर नजदीकी ई मित्र द्वारा राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति के बाद तारबंदी का कार्य किया जाना है, फिर कार्य पूर्ण करवाने के बाद अनुदान कृषक को जारी कर दिया जाएगा। तारबंदी योजना की अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर तंगावली मोड़ धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। नोट, रोयटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेतौ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। राज मोटर्स धौलपुर में लेकर आया है भारत की नंबर 1 बिकने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं धौलपुर की सबसे मजबूत व भरोसेमंद स्कूटी। दीपावली के शुभ अवसर पर विशेष ऑफर्स का लाभ उठाएं। ऑफर मान्य केवल स्टॉक खत्म होने तक। न्यूनतम डाउन पेमेंट 25,999 रुपए। दीपावली ऑफर 3,000 रुपए की छूट। धौलपुर में पहली बार RSA सुविधा उपलब्ध। विशेष सुविधाएं, दमदार पावर, आधुनिक लिथियम आयन बैटरी, 3 साल की अनलिमिटेड बैटरी वारंटी, 80 से 85 किलोमीटर पर आर तक की शानदार स्पीड, एक बार चार्जिंग पर 200 किलोमीटर तक का माइलेज, 12 से 16 इंच तक ट्यूबलेस टायर डिस्क ब्रेक के साथ, कम ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, शानदार जापानी टेक्नोलॉजी,
मात्र 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज। कोई भी पुराना वाहन लाए एक्सचेंज ऑफर पाए। राजाखेड़ा व भसेड़ी डीलरशिप के लिए संपर्क करें मारवाड़ मोटर्स के सामने जीटी रोड धौलपुर राजस्थान। कॉल करें 9414824382। दूसरा नंबर 9982896990।